अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं तोरी की सब्ज़ी। इसलिए हमने 1 किलो तोरियां ली हैं। इसको हमने इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। और ये 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है। और ये टमाटर है 3 अदद, इसको हमने इस तरीके से गोल गोल काट लिया है। और आधा कप तेल इसमें जाएगा, 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन जाएगा, और 4-5 हरी मिर्चें जाएंगी। और ये मसाले जाएंगे इसमें, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1.5 टीस्पून तकरीबन लाल मिर्चें। चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बनाना। अब इसमें ये तेल हमने डाल दिया है, और तेल डालने के बाद हमें अब इसमें ये जो प्याज हमने स्लाइस किया हुआ था, ये तकरीबन आधा प्याज हम इसमें डाल देंगे, और आधा हम बचा लेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे। तो अब इस प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक जो है फ्राई करना है। अब ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब हम इसमें ये लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन डालने के बाद अब हम इसमें इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे, ये मिर्च चली गई, ये हल्दी और नमक। तो हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि मसाले का भी कच्चापन दूर हो जाए। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें ये टमाटर 3 अदद जो हमने स्लाइस करके रखे थे, ये इसमें शामिल करते हैं। अब हम इसमें तकरीबन आधा ग्लास तकरीबन पानी डाल के इसको ढक के रख देंगे, ताकि ये गल जाए, टमाटर और प्याज सब कुछ गल जाए। गलने के लिए अब हमने रख दिया। अब हम कुछ देर बस को खोल के देखेंगे तो टमाटर और प्याज गल चुके होंगे। चलिए अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखें, ये प्याज और टमाटर गल चुके हैं, और ये बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, और इन्होंने ये तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें ये जो हमने अपनी तोरी काट के रखी थी, इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ ये जो हमने प्याज बचाया था, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और ये कुछ हरी मिर्चें हैं, इसको कट लगा के, ऐसे छुरी से अंदर कट लगा के, ये भी अंदर शामिल कर देंगे हम इसके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये देखें, हम इसको मिक्स कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो रही है। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद अब आपने इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि ये तोरी जो है, जब हम इसको ढक के रखेंगे और इसकी आँच हल्की कर देंगे, तो ये खुद ब खुद अपना पानी छोड़ेगी, और उस पानी में ही ये गलेगी। और आप इसको 15 मिनट के लिए ढक के रखें, और बीच में आप कोई 5-5 मिनट के बाद अंदर चम्मच हिलाते रहें, ताकि वो नीचे ना लगे, और इसको ढक दें और आंच हल्की कर दें। बस 15 मिनट तक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। चलिए अब हम इसका खोलते हैं और देखते हैं। ये देखते हैं, ये हमारी तोरियां बिल्कुल गल गई हैं, और ये पक के तैयार हो गई है। अब हम इस चूल्हे को बंद कर देंगे, और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये बहुत मज़ेदार बनती हैं, आप इसको बनाएं। और गर्मियों के लिए ये ख़ास बहुत अच्छी सब्ज़ी है, इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। ये देखिए जी, ये हमारी तोरियां बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं चलिए ये देखिए, ये हमारी तोरियां तैयार हो गई हैं। ये बहुत मज़ेदार होती हैं, आप खाएं और अपने घर वालों की भी खिलाएं, आपकी ज़रूर तारीफ़ होगी।
और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।